एस की विक्टर बाइक और इसमें माइलेज की काफ़ी प्रॉब्लम। तो माइलेज से रिलेटेड हमें ज़्यादातर ट्यूनिंग करना होता है, और जो रियल तरीका है उसमें हमें क्या क्या चीज़ देखना है। एक तो सबसे पहले एयर फिल्टर सही होना चाहिए। अगर एयर फिल्टर गंदा है तो उसके ज़रिए से भी माइलेज यानी कि लो देता है। बाइक के अंदर पिकअप होना चाहिए, इंजन ऑयल पूरा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग है उसका जब ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग यानी कि प्रॉपर होना चाहिए, तभी माइलेज जो है यानी कि पूरा परफेक्ट तरीके से सेट होता है। पर इसमें जो रीज़न है वो यानी कि पिकअप से रिलेटेड, अगर हमारी बाइक में पिकअप नहीं बनता है तो उसके ज़रिए से भी माइलेज नहीं देता है। अब मान के चलिए हम यानी कि RPM दे रहे 4000-5000 के RPM में हम बाइक को चलाते हैं, और उतना यानी कि RPM के हिसाब से उस तरीके से अगर बाइक भागती नहीं है तो इसके ज़रिए से भी क्या होता है कि हमारी बाइक यानी कि पेट्रोल तो उतना ही खाएगा पर उस तरीके से रफ्तार नहीं बनती है, तो उसके ज़रिए से पेट्रोल हमारा ज़्यादा खाने लगता है। तो पेट्रोल ज़्यादा खाने का जो मेन रीज़न होता है, सबसे पहले आप बाइक की क्लच प्लेट को चेक करें। अगर क्लच प्लेट ख़राब है, बाइक के अंदर पिकअप नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्लच प्लेट की काम कराना होगा, तभी यानी कि आप यानी कि जो पिकअप है वो यानी जो माइलेज है वो बढ़ा पाएंगे आप। तो यहाँ पे फाइनली कुछ इस तरीके से दिक्कत को लेके हमने इसकी क्लच प्लेट को खोला, और यहाँ पे अगर आप इंजन ऑयल देखेंगे तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें कितने ज़्यादा ब्लैक हो चुका है इंजन ऑयल। तो इसका फाइनली हम क्लच प्लेट को चलिए चेंज करते हैं और आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि इसकी जो माइलेज है वो किस तरीके से यानी कि बढ़ाना है। और भी यानी कि कार्बोरेटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो कि उसे हमें सॉल्व करना है, तो आपको हम दिखाएँगे। और बाइक में ये वाला जो बैलेंसर वाला नट होता है इसका गुना उल्टा होता है, इसे यानी कि खोलने में बहुत ही हमें दिक्कत होता है। अगर गन होता है तो गन के ज़रिए से बहुत ही शॉर्टकट से हम खोल सकते हैं, और अगर आपके पास गन नहीं है तो इस तरीके से कूलर होना चाहिए। ये देखें ये स्टील वाली, इससे क्या होता है इसका मुँह जल्दी स्लिप नहीं करता है और सही तरीके से ये पकड़ बनाती है। तो फाइनली यहाँ से हमने क्लच प्लेट सेंटर बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसकी जो क्लच प्लेटें हैं तो ये चीज़ देखें, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो लेदर्स होते हैं ऊपर की वो यानी कि घिस जाते हैं, और घिसने के कारण से हमारी क्लच प्लेट की उस तरीके से पकड़ नहीं होता है, यानी कि लूज होने लगता है, जो कि हमारी बाइक की पिकअप उस तरीके से छलांग नहीं मारने लगती है, और हमें क्लच प्लेट को चेंज कराना होता है। कितना भी हम RPM खींचते हैं उसके हिसाब से हमारी बाइक स्पीड नहीं चलती है। तो यहाँ पर ये देखें इसकी सेंटर हब देखें, जब भी हम क्लच प्लेट चेंज करते हैं उस समय हमें सेंटर हब भी देखना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यानी कि इसमें स्क्रेच आ जाता है इस तरीके से, ये देखें नकी टाइप का यानी कि स्क्रेच आ जाता है, और इसके ज़रिए से हमारी बाइक उतना स्पीड नहीं धरने लगता है। और अगर हम इसमें सिर्फ क्लच प्लेट को लगाते हैं तो हमारा क्या होगा कि जल्दी यानी कि क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम पूरा क्लच प्लेट सेंटर हब इसे भी लगाना होगा। और तो यहाँ से हमने क्लच प्लेट पूरा सेट कर दिया, और क्लच प्लेट सेट करने के बाद इसकी जो पैकिंग है उस पैकिंग अगर फटता है तो उसे भी आप चेंज कर दें। और यहाँ पे इसे यानी कि इस तरीके से हिला के देखना चाहिए, यानी कि घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल टाइट लगना चाहिए ये। ज़ोर से अगर हम रेंच के ज़रिए से करते हैं तब यानी कि ये घूमता है। इस तरीके से आपको सेटिंग इसकी चेक करनी है। हमने बाइक को स्टार्ट किया और स्टार्ट अभी हमने हालांकि इसमें इंजन ऑयल डाला, क्लच प्लेट सेंटर हब और इसकी पैकिंग फट गई थी, जो कि इस पैकिंग को हमने डाला, क्लच चैम्बर वाली पैकिंग को न्यू डाला। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हमें ट्यूनिंग करना है। ट्यूनिंग करने से पहले हमें एक दो बातों की बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जो कि हमें सबसे पहले इंजन हीट होना चाहिए, और यानी कि इसकी जो RPM है वो यानी कि एक जगह पर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चाल यानी कि अप डाउन इस तरीके से करता है, तो आप यहाँ से यानी कि थोड़ा गरम कर लें। गरम करने के बाद आप इसकी देखें RPM अगर कम ज़्यादा होता है तो वो भी यानी कि ट्यूनिंग के बाद वो सही हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक दो मिनट मात्र इसे स्टार्ट करके रखना है, थोड़ा इंजन हीट होने के बाद फिर हम यहाँ से हमने हालांकि यहाँ से RPM को तेज़ किया है, और यहाँ देखें आप 4000 बिल्कुल मीटर 4000 पे पूरा क्लियर है। अब मैं उस तरफ से ट्यूनिंग करना है, ट्यूनिंग करने से पहले हमें एक दो मिनट गर्म रखना है। तो चलिए हम एक दो मिनट तब तक के लिए वीडियो रोकते हैं और फिर हम थोड़ा हीट होने देते हैं, तब हम दिखाते हैं आपको। इंजन की साउंड सुन के आपको भी काफ़ी अजीब लग रहा होगा, तो ये जो TVS की बाइक होता है इसका साइलेंसर बहुत ही जल्दी यानी कि फट जाता है, वही यानी कि फटफटाहट जैसा आवाज़ आ रहा है, और कुछ इसकी टाइमिंग चैन की भी आवाज़ है, और यहाँ बॉडी वगैरह थोड़ा वाइब्रेशन। तो अब यहाँ से हम ट्यूनिंग करेंगे, तो वीडियो में गाइज बने रहे और सही तरीके से आप देखें। ये हमारे ट्यूनिंग वाली स्क्रू होता है, जो कि एयर स्क्रू जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ से हमें इसे टाइट करना होगा, हम देखते हैं यानी कि
कितना टाइट हो रहा है ये अभी, तो यहाँ पे ये फुल टाइट हो गया। अब यहाँ से हमें लूज करना है, तो यहाँ देखिए गाइस इसकी जो आरपीएम है वो यानी धीरे धीरे तेज हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे ये ज़्यादा इसकी आरपीएम होगी, अगर आप ज़्यादा लूज भी कर देते हैं तो फिर आरपीएम कम हो जाता है, फिर आपको टाइट करके उसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमारी आरपीएम बिल्कुल तेज है और बिल्कुल सही तरीके से काम करे, ना तो चाल हमारा कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं और इसको लूज कर रहा हूँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे यानी कि उतना पे ही सेट करना है, यहाँ पे बस यहाँ पे हमने इसे सेटिंग कर दिया। अब उस तरफ से इसकी जो आरपीएम है उसे कम करना है। अब देखें यहाँ पे पहले 4000 था और अब करीब यानी कि 4500 के करीब इसकी आरपीएम आ चुका है। इससे हमें साफ ये चीज़ पता चलता है हमारी जो माइलेज है, जो पेट्रोल है, वो यानी कि पहले से बेहतरीन है और यानी कि कम खा रही है। आरपीएम अगर बढ़ गया ऊपर से, आप समझे कि हमारी माइलेज बढ़ गया। अगर आपके पास टेकोमीटर है तो उसके ज़रिए से भी आप चेक करके पता कर सकते हैं कि अभी माइलेज हमारी बाइक की यानी कि बढ़ी या नहीं बढ़ी, इस तरीके से। अब यहाँ से इसकी साउंड हम बिल्कुल स्मूथ करेंगे यानी कि लो करेंगे। तो देखिए आप साउंड भी बिल्कुल सही है, यानी कि आरपीएम में कम कर देना है तकरीबन 1200 इस तरीके से। तो चलिए गाइज हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले इसकी रेस में भी दिक्कत थी, हम जब भी आरपीएम खींचते थे तो उस तरीके से यानी कि मज़ा नहीं आ रहा था चलाने में, अब बिल्कुल मस्त लगेगी। तो चलिए हम इसे हम ट्राई करते लेते हैं और फिर बाइक कस्टमर को देते हैं।